खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुंबई को महानगरी कहते हैं क्योंकि वहां बॉलीवुड है, फिल्में बनती हैं, हीरो हीरोइंस रहते हैं। आम लोगों के लिए वो सब एक सपने की तरह होता है जिसे वो देखना और महसूस करना चाहते हैं। जैसे फिल्मों में एक हीरो होता है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसी तरह महाराष्ट्र या यूं कह लीजिए कि मुंबई की राजनीति में भी इन दिनों सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अगर आप इसे पॉलिटिकल फिल्म मानेंगे तो इस फिल्म के हीरो शरद पवार हैं, जो हर पल गेम बदल रहे हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि पवार रूपी ऊंट किस करवट बैठेगा। आज दोपहर राज्यसभा में जब पीएम मोदी ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी की खुलकर तारीफ कर दी तो ये कंफ्यूजन और बढ़ गया। इस तारीफ के बाद पवार मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट महाराष्ट्र की राजनीति को और उलझा गई। पूरी खबर देखने से पहले पांच हेडलाइंस देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की चर्चाओं के बीच पवार का नया दाव, बोले शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर चर्चा नहीं हुई। सोनिया से मुलाकात के बाद पवार बोले महाराष्ट्र के हालात पर बात हुई। सुबह नवाब मलिक ने कहा था कांग्रेस को सरकार में शामिल करने पर फैसला होगा। सोनिया से मिलकर निकले पवार के घर पहुंचे संजय राउत। राउत ने कहा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सबके दस्तखत, दिसंबर तक सरकार बन जाएगी। सोनिया और पवार की मुलाकात के पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, राज्यसभा में कहा सभी दलों को एनसीपी से शिष्टता सीखनी चाहिए। मुंबई में मेयर चुनाव के लिए शिवसेना को बीजेपी और कांग्रेस दोनों का साथ मिला, किसी ने भी नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी, और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे, और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है, कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। राज्यसभा के 250वें सत्र पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यूं अचानक एनसीपी की तारीफ करना क्या महज एक संयोग था? ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की खबरें तेज हैं, तो मोदी अचानक पवार की पार्टी की तारीफ कर क्या कोई संकेत देना चाहते थे? हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मोदी का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके कुछ देर बाद ही शरद पवार की सोनिया गांधी से मुलाकात होने वाली थी। कई दिनों से इसका इंतजार था। माना जा रहा था कि इस मुलाकात में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर एनसीपी और कांग्रेस की बातचीत पूरी हो जाएगी, लेकिन करीब घंटे भर तक चली मुलाकात के बाद शरद पवार जब शाम को मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सरकार बनाने के सस्पेंस को और बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर नहीं चाहते कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए? किसी के साथ सरकार बनाने की बात ही हमने की है, हमने वहाँ की पोजीशन क्या है, नंबर क्या है, किसके पास कितने हैं। शरद पवार के मुताबिक बात सिर्फ महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक हालात पर हुई, न कि सरकार बनाने पर। तो फिर उनसे पूछा गया कि मुंबई में तीनों पार्टियों के नेताओं ने जो बैठक की और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया उसका क्या? कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, कोई डिस्कशन, ऐसे कि विधानसभा के सदस्य मिलते हैं, बात करते, इससे कोई ज्यादा नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने तय करने की बात की ही नहीं, किसके लिए करेंगे, जब तक हम आगे क्या करेंगे ये तय नहीं होता। पवार का हर जवाब सबको चौंका रहा था। हंसते मुस्कुराते वो हर उस संभावना को खारिज करते जा रहे थे जिसे लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जैसे शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की। किसी के साथ जाना या न जाना, इस इश्यू के बारे में हमने अभी इसमें बात ही की। इसके बाद शरद पवार से पूछा गया कि पीएम मोदी ने आज एनसीपी की तारीफ की तो पवार ने कहा हम लोग जो करते आए हैं मोदी ने वही कहा। फिर अगला सवाल बीजेपी के साथ एनसीपी के जाने को लेकर किया गया। रूल आउट करते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? हमने इलेक्शन किसके खिलाफ कर, वो तो शिवसेना के खिलाफ भी लड़े। हमारा चुनाव मेन, हमारी जब टोटल सीट देखेंगे
शिवसेना के खिलाफ जरूर है, मगर मेजर हमारा लड़ाई बीजेपी के साथ मेजर लड़ाई बीजेपी, और इसलिए कैसे हम बोल सकते हैं आज हम खाली हमारी पार्टी और कांग्रेस इसके बारे में हम बात करते हैं, दूसरी सोच हमारे सामने नहीं। इस तरह पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के पूरे खेल को बुरी तरह उलझा दिया। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, और इसके लिए आपको उनकी ही पार्टी के नेता नवाब मलिक का वो बयान भी सुनना चाहिए जो उन्होंने सोनिया और पवार की मुलाकात से पहले दिया था। तो आज की जो मीटिंग है उसी में सारा निर्णय होगा। हमारी एक ही मांग है या कांग्रेस से हम लगातार यही बात करते आए हैं कि अगर स्थिर सरकार देना है, सरकार बनाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 साल सरकार टिके तो कांग्रेस सत्ता में शामिल हो, ये मांग एनसीपी की रही है। तो हमें लगता है आज की बैठक में जो भी निर्णय होगा ये दोनों नेताओं की मीटिंग में तय हो जाएगा। तो अब ये तय करना है कि पवार सच बोल रहे हैं या फिर उनकी पार्टी के नेता। इस बीच आरपीआई नेता रामदास आठवले बीजेपी और शिवसेना को साथ लाने के लिए तरह तरह के फॉर्मूले सामने रख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो शिवसेना के संपर्क में है। अभी संजय राउत जी से मेरी बात हुई, उनके तबीयत की मैंने पूछताछ की और मैंने उनको बोला कि भाई क्या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते देखो, और मैंने ये सुझाव दिया कि भाई 3 साल और 2 साल के फॉर्मूले पर क्या आपका मत है। तो बोले आप बातचीत करो, अगर बीजेपी तैयार है तो उस पर विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए कितने दिन हो गए? 25। रोज सरकार बनाने का नया फॉर्मूला आता है, नई अटकलें लगती हैं, लेकिन नतीजा 0। शिवसेना ने मुख्यमंत्री के भरोसे पर बीजेपी से नाता तो तोड़ लिया, लेकिन जितना आसान बीजेपी से दोस्ती तोड़ना रहा उतना आसान नए दोस्तों को मनाना नहीं है। ये बात अब उद्धव ठाकरे को समझ आ गई होगी। मास्टर स्ट्रोक शिवसेना के लिए है, पुराने दोस्त का साथ छोड़ा, नए दोस्त ने भी मुंह मोड़ा।